2017 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? टू पुल राइट्स पी वन एंड पी टू, दो पुल राइट है पी वन एंड पी टू जो एक दूसरे के एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू इच अदर। दो पुल राइट मैंने रख दिए एक दूसरे के कहाँ पे, एक दोनों के यहाँ पे 90 पे, दोनों एक दूसरे पे एग्जिस्ट करें। अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इंसिडेंट ऑन पी वन, पी वन पे मैं एक लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ, आई नॉट इंटेंसिटी है उसकी। एंड थर्ड पोलराइड जो है उसके बीच में, दोनों के बीच में इंसर्ट किया मैंने 45 डिग्री पे, ये आपका एंगल है, ये मैंने 45 डिग्री पे एक तीसरा पोलराइड मैंने इंटर कराया। ओके अब क्या बोल रहा है, सच अब 45 डिग्री पे विद डेट पी वन, पी वन से द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू पी टू, पूछ रहा है पी टू से जो यहाँ से जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो आपको अवली पता होगा, वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द इंटेंसिटी अगर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कोई अगर आई नॉट इंटेंसिटी की अनपोलराइज लाइट, किसी अनपोलराइज लाइट अगर पोलराइज शीट से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है पहले से आधी हो जाती है। ओके यही अपना कंसेप्ट है, इसी पे हम वर्क करेंगे और यही हमारा आंसर निकालेगा। चलो कंसेप्ट में लिख देता हूँ, द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ फुली अनपोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट लाइट अपॉन अपॉन पासिंग थ्रू अपॉन पासिंग अपॉन पासिंग थ्रू अ पोलराइज्ड शीट अ पोलराइज्ड शीट अगर पोलराइज्ड शीट से पास होगा इज हाफ द इज हाफ द ओरिजिनल ओरिजिनल इंटेंसिटी इंटेंसिटी इट मीन्स आई इजकल टू जो होगा आई नॉट बाई टू हो जाएगा। अगर कोई लाइट अनपोलराइज लाइट लाइट कोई पोलराइज शीट से पास होता है तो उसकी इंटेंसिटी पहले की आधी हो जाती है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो पहले लाइट क्रॉस की कहाँ से, हमारा वन से क्रॉस किया और 45 डिग्री और फिर क्रॉस करके गया पी थ्री पे, तो उसके लिए हम लिखेंगे, अगर उसके लिए मैं आई टू लिखूँ इस वाले दूसरे के लिए, तो आई टू मैं लिखूँ सेकेंड वाला, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके अब आई टू इजकल टू क्या होगा, आई आई की जगह पे क्या आएगा, आई बाई टू आ जाएगा, इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45। ओके कॉस स्क्वायर 45 अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1 बाई टू, 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 1 बाई टू, तो कितना आएगा आई नॉट बाई फोर, आई नॉट बाई फोर मतलब यहाँ से जो इंटेंसिटी आई टू की जो आई हमारे पास आई नॉट बाई फोर आई, लेकिन यहाँ से भी लाइट अभी आगे पास हो रही है वो कहाँ पे आई थ्री पे जा रही है, तो आई थ्री की इंटेंसिटी जो हुई अभी आई टू तक पहुँचना है अपने को, सेकेंड पोलराइज पे यहाँ तक पहुँचना है पी टू पे, तो यहाँ तक हमें जो निकल रही आई थ्री इंटेंसिटी क्या होगी वो निकालने को, आई थ्री जो होगा अगेन आई थ्री इजिकल टू आई नॉट, अब इसके लिए आई क्या वर्क करेगा आई, तो आई नॉट बाई फोर कॉस स्क्वायर 45। अब ए आई यहाँ पे तो आई है बट आई अब इसके लिए अब ए जो वर्क होगा ए वाला आई नॉट बाई फोर अब इसके लिए क्या हो जाएगा आई हो जाएगा इसके लिए, तब यहाँ पे मैंने आई थ्री के लिए यूज कर लिया और ये हमारा आंसर दे देगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, क्या होगा आई थ्री इजकल टू आई थ्री इजकल टू आई नॉट बाई फोर कॉस स्क्वायर, तो आई नॉट बाई फोर इंटू वन बाई टू इट मीन्स आई नॉट बाई एट आपका इंटेंसिटी हुई आई थ्री पे,
आई थ्री इज इक्वल टू आई नॉट बाई एट। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था बट एक ही कंसेप्ट यूज करना था जो मैंने आपको लिखा, ये ध्यान में रखें। ओके, थैंक यू सो मच।